हेलो। चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर क्विज शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी लाइव अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो लोग भी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं भाई, स्ट्रेंथ अगेन आप लोगों की बहुत कम है। मुझे लग रहा है ऐसे ही अगर आपकी स्ट्रेंथ रहेगी तो एक दिन आपकी क्लास जो है वो बंद ही हो जानी बंद हो जाएगी आपकी क्लास, अगर आपकी स्ट्रेंथ ऐसी ही रहेगी तो। सलमान गुड इवनिंग, रुद्राक्षी गुड इवनिंग, शैली गुड इवनिंग, कीर्ति, निशांक, तनु, रितिका, तनु चौहान, राजू गुड इवनिंग। ऑडियो विजुअल, अच्छा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। रुद्राक्षी ने सबसे पहले ही बता दिया कि मैम पूछें, उससे पहले हम ही बता देते हैं उनको कि क्लियर है, ठीक है। चलो गुड इवनिंग विक्की, निशांत गुड इवनिंग। चलिए भाई, बाकी के लोग जल्दी से जुड़ेंगे फटाफट से करंट अफेयर क्विज शो में। जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़िए, 5 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चंस हमें देखने हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जैसा हम हमेशा इसमें देखते हैं करंट अफेयर क्विज शो में। क्वेश्चंस देखते हैं, देन उसके बाद रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होता है हम उसको देखते हैं। यही मेनली जो हमारा, आप कह सकते हैं कि हमारा तरीका यही रहता है। गुड इवनिंग अमृत, गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़िए भाई, सारे लोग फटाफट से जुड़ेंगे। ऑल ऑफ यू फटाफट से जुड़िए भाई करंट अफेयर क्विज शो में, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी आइए सारे लोग, बस हम 2 मिनट वेट करेंगे बाकी लोगों का, जब तक वो आते हैं फटाफट से। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी और आप लोग फटाफट उसके आंसर जल्दी जल्दी करिएगा। और क्वेश्चन के बाद हम रिलेटेड टू जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, ठीक। चलिए भाई जल्दी से आएँ बाकी के लोग, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अभी ठंड मना रहे हैं, थोड़ा सा सोए हुए हैं, जाग जाएँ, आ जाएँ क्लास में, इसीलिए आप थोड़ा सा कर दीजिए। ओके संजीव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अच्छा ओके ठीक, रुद्राक्षी ठीक है, गुड इवनिंग ममता गुड इवनिंग। ये आजकल जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं लाइव, तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के शो में तो आ ही सकते हैं। तो बाकी के स्टूडेंट्स जो क्लासेस में आजकल नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, अपनी तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, करंट अफेयर्स शो तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सब इसको अटेंड किया करिए। चलिए खैर, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर क्विज शो। एंड एज यूजुअल मेरे इंट्रोडक्शन से ये क्लास थोड़ी सी स्टार्ट होती है, जो लोग पुराने हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए, कि आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेनली ज्योग्राफी सब्जेक्ट में यहाँ पर लेती हूँ, एनवायरनमेंट एंड आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में ले रही हूँ। करंट अफेयर शो आप लोग देख ही रहे हैं। देन उसके लिए आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है भाई। प्रीवियस जो भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं उसका PDF मैं इसी लिंक पर शेयर करती हूँ, सिविल एकेडमी IAS टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी को इसको ज्वाइन कर लेना है, जिससे PDF जो भी हमारे होते हैं क्लासेस के वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। 1 से 2 बार अगर आप फर्दर रिवाइज करना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक। चलिए भाई, बाकी सारे लोग जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, आते रहिए। गुड इवनिंग नेहा एंड अदिति, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शो, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेरी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, COP15 किसका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग 15वीं मीटिंग जो है वो आपकी चल रही है, अभी हाल ही में आपकी हुई है, उसी से रिलेटेड आपके पास में एक क्वेश्चन है कि इंडिया के किस इनिशिएटिव को, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है, जब हम प्रयास करते हैं, जब हम इनिशिएटिव्स लेते हैं और ग्लोबली उसकी तारीफ की जाती है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, हमें भी सुन के अच्छा लगता है, इवन पता भी चलता है और दूसरे देशों को कि ऐसा इनिशिएटिव भारत में लिया जा रहा है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो आपका इनिशिएटिव है, एक इन 4 इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है भारत का जिसे रिकॉग्निशन दिया गया है, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है ड्यूरिंग दी कन्वेंशन ऑफ पार्टीज या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हो रही है आपकी CBD की, तो वो कौन सा मिशन है, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन
नमामि गंगे मिशन या फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या फिर ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. ममता कह रही हैं बी, नेहा कह रही हैं बी, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग भाई. बी कह रही हैं नेहा, रुद्राक्षी कह रही हैं ए, संजीव बी, ममता बी, बाकी सारे लोग जो हैं वो बी कह रहे हैं, सिर्फ रुद्राक्षी कह रही हैं ए. बी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ नमामि गंगे. नमामि गंगे जो योजना है या नमामि गंगे जो मिशन है भारत सरकार का, उसे रिकॉग्निशन दिया गया है ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन की मीटिंग हो रही है उसके दौरान नमामि गंगे स्कीम की तारीफ की गई है. इन पार्टीज के जो भी मेंबर्स हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी मेंबर्स हैं, उन सब ने इस इनिशिएटिव के भारत की प्रशंसा की है. तो कहाँ पर हो रही है आपकी, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुई आपकी 15वीं मीटिंग कोप 15 ऑफ सीबीडी, तो इट इज़ हेल्डिंग इन मॉन्ट्रियल कनाडा. कनाडा में आपकी ये हो रही है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हो रही है. वहीं पर नमामि गंगे को रिकॉग्निशन दिया गया है. इन जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनके द्वारा नमामि गंगे अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गंगा को प्योर करने, गंगा को फिर से रीस्टोर करने, गंगा में जितना भी पॉल्यूशन हो गया है उस सब को क्लीन करने से रिलेटेड ये मिशन हमारे यहाँ पर चल रहा है. नमामि गंगे मिशन चल रहा है. इट इज़ रिलेटेड विद द रीस्टोरेशन ऑफ गंगा. जो गंगा पहले इतनी प्योर थी, अब जो इम्प्योर हो गई है, डर्टी हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है, उसको साफ करने से रिलेटेड है नमामि गंगे मिशन. इट इज़ अ इनिशिएटिव टू रिजुविनेट रिवर गंगा. वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप एम्ड एट रिवाइविंग द नेचुरल वर्ल्ड. द इनिशिएटिव वर सिलेक्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन. इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है उसे सिलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन. तो एक डिकेड, यूनाइटेड नेशंस का एक दशक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि दशक में किसने अपने इकोसिस्टम को रीस्टोर किया है, तो उसमें नमामि गंगे का भी जिक्र किया गया है. ठीक, बिल्कुल सही बात है. बाकी चीज़ें सीबीडी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप लोग एक बार अपने नोट से रिवाइज कर लीजिएगा. नोगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसी के ही आपसे रिलेटेड हैं. एनवायरनमेंट में हम इसको कर चुके हैं. सीबीडी को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है. इंडिया इज़ दी सिग्नेटरी, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो बेसिक्स एक बार आप लोग देख लीजिएगा. नमामि गंगे मिशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कब स्टार्ट हुआ, क्या है, वो मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ. ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम. व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? तो एक आपका नया नाम दिया गया है, इस स्कीम कह सकते हैं, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम. इसे एक नया नाम दिया गया है, इसका नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास, मिशन कर्मयोगी, समृद्ध स्कीम या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, इन चारों में से क्या है नया नाम प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? यानी हमारे इंडिया के अंदर जो भी कौशल हैं, जितने भी स्किल्ड हमारे यहाँ की पॉपुलेशन में, हमारे यहाँ की जनता में भरे भरे हैं, उन सबको काम मिले, वो सब अपनी इकोनॉमी को परसीव कर सकें, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकें, चाहे जो स्किल उनके पास है उसी से ही वो अपनी आजीविका जो है वो कमा सकें, ऐसा कार्यक्रम है. तो फटाफट से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा. चलिए, आप सारे लोग कह रहे हैं ए, एब्सोल्युटली राइट है, ए आंसर बिल्कुल सही है. गुड इवनिंग आयना, गुड इवनिंग, बिल्कुल सही. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास, यानी जो स्किल है वो एक तरीके से विरासत है, इट्स अ हेरिटेज. अगर किसी के पास में कोई चीज़ बनाने का स्किल है, जैसे अभी आपके बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, किसी के पास में अगर वो बनाने का स्किल है, वो आर्ट है, वो कौशल है उसके पास में, तो अब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे. विरासत जो हमारी हेरिटेज है उसका हम संवर्धन करेंगे, ये बात आपकी, इसको ये नाम दिया गया है. नाउ इससे पहले मैंने एक बार आपको पीएम
स्वनिधि स्कीम के बारे में भी बताया है, तो बताएं पीएम स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है, जल्दी बताइएगा। आंसर है इसका ए, बिल्कुल सही है। किसकी स्कीम अगर हम कहें तो द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी ने इन्फॉर्म किया है कि अब से प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का एक नया नाम होगा, दैट इज प्रधानमंत्री विकास या फिर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, इसका नया नाम कर दिया गया है। UPPCS के लिहाज से स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि वो लोग चेंज नाम वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं। द इंटीग्रेटेड स्कीम मर्जेस 5 अनस्टेबल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा 5 अन्य और स्कीम चलाई जाती हैं और वो सारी मिलकर के इसी स्कीम में आकर के जुड़ गई हैं। कौन कौन सी 5 स्कीम है? पहला है सीखो और कमाओ, दूसरी है उस्ताद योजना, तीसरी है हमारी धरोहर, चौथी है नई रोशनी और पांचवी है नई मंजिल। तो अब ये 5 जो योजनाएं हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं, 5 अनस्टेबल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री, उन्हें इसी एक स्कीम पीएम विकास के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक बात है, यस। पीएम स्वनिधि इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स को, और ये चलाई गई थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बिकॉज वो ख़त्म होने वाला था उसका टाइम, अब उसे और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। जो भी रेड़ी पटरी वाले होते हैं आपके, जो साइड में फड़ वगैरह लगाते हैं, उन लोगों को 10,000 रुपये का लोन देने की, कोलेट्रल फ्री लोन देने की भारत सरकार ने इस स्कीम के अंदर बात कही थी ड्यूरिंग दी कोविड। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। तो याद रखेंगे यहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोग। ठीक, यहाँ पे वही है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो 4 कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि हमें विरासत को प्रोटेक्ट करना है, स्किल्ड को प्रोटेक्ट करना है, तो हर लिहाज से उन्हें एजुकेट भी करना होगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना होगा, जितना स्किल उन्हें आता है उसको और स्किल, मतलब उसे और बेहतर करने की, उसके लिए ट्रेनिंग देने की, आज के ज़माने से उस स्किल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। वही बातें आपकी सारी इसमें लिखी हुई हैं, जब मैं नोट शेयर करूँगी तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही सिंपल एंड वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी था, आप लोगों ने डेफिनेटली इसको देखा होगा। सूर्य किरण के बारे में है आपकी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सूर्य किरण जो है वो भारत और किसके देश के बीच में होती है? भाई जितने लोग हैं सारे आंसर करा करिए सेशन को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो सारे लोग इसको सेशन को, और बाकी के लोग जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग। चलिए भाई सूर्य किरण सभी लोग सही सही आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर करेंगे, लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो आप सिविल एकेडमी IAS टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक, चलिए थर्ड का आंसर इज ए, बिल्कुल सही बात है। सूर्य किरण एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक आपकी ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका 16 एडिशन इंडो नेपाल जो भी आपकी ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण है इसका हुआ इंडिया एंड नेपाल के बीच में एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, जहाँ पर आपका नेपाल आर्मी बैटल स्कूल है वहाँ पर हुआ, इंडिया के अंदर नहीं हुआ। सूर्य किरण एनुअली होती है, यानी हर साल होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इट्स अ एनुअल एक्सरसाइज। लास्ट ईयर 15 इंडिया नेपाल जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण वो कहाँ पर हुई थी? आपकी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई थी। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट, सूर्य किरण एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडिया नेपाल के बीच में होती है। 16वां एडिशन हाल ही में नेपाल में हुआ है, 15वां एडिशन इंडिया के अंदर हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, जबकि हर साल ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट होती है। ठीक है, कुछ और एक्सरसाइजेज हैं आपकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। जैसे पहली अगर हम बात करेंगे संप्रीति, आपसे पूछा जाए संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया US, युद्ध अभ्यास अभी कुछ दिन पहले युद्ध अभ्यास भी आपका हुआ था इंडिया US के बीच में,
गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया शक्ति सिर्फ होगा तो इंडिया फ्रांस, धर्मा गार्डियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल और इंडिया और चाइना के बीच में होती है हैंड इन हैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ ली जाती हैं कई बार एक्सरसाइजेज आपकी, आप लोगों को याद होना चाहिए किसके साथ में भारत की कौन सी एक्सरसाइज हुई। और जो एडिशन भारत में हो रहा है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हुई तो इंडिया में हुई या कहीं और हुई। इंडिया में हुई तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा एडिशन था जो इंडिया में हुआ ये इम्पोर्टेंट है, हर साल होती है या दो साल में होती है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, यूथ कोलैब यूथ इनोवेशन मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। इंडिया के अंदर एक अटल इनोवेशन मिशन चलता है, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। एंड विच इंस्टीट्यूशन, यानी जो यूथ को लैब है ये आपका एक मूवमेंट है या एक इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, और किस इंस्टीट्यूशन का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूनेस्को, किसका इनिशिएटिव है, किस किस के साथ में मिलकर के अटल इनोवेशन मिशन और कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। चलिए देखें कौन आंसर कर रहा है। तनु कह रही हैं बी, छवि कह रही हैं बी, निशांक कह रही हैं बी, काजल कह रही हैं बी, नेहा भी कह रही हैं बी, कीर्ति भी कह रही हैं बी, रुद्राक्षी कह रही हैं डी। ओके, यस, यूएनडीपी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और अटल इनोवेशन मिशन मिल करके एक मूवमेंट चलाता है यूथ को लैब यूथ इनोवेशन मूवमेंट, यानी यूथ को इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रेरित जब होगा जब आप उसे ऐसी लैब्स प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे वो अपने जो भी उसने इनोवेशन किया है, जो भी उसका आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इनक्यूबेटर सेंटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इसके अंतर्गत यूथ को, जिसके थ्रू वो इनोवेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव बन सके, इनोवेशन कर सके। सो फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ को लैब एशिया पैसिफिक्स लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट रिसेंटली लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएनडीपी इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट होगा। तो इसमें एक अटल इनोवेशन मिशन है, एक नीति आयोग है और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया है। ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसे 2019 में लाया गया था। तो 2019 में यूएनडीपी इंडिया इसको लेकर के आता है, पार्टनरशिप करता है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ में। इट एम्स टू, एम क्या था, एस्टैब्लिश अ कॉमन एजेंडा फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज टू एम्पावर यूथ, यूथ को एम्पावर करना है एशिया पैसिफिक कंट्रीज के, टू एक्सीलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में आए, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लीडरशिप की क्वालिटीज सीखे, लीडरशिप में इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन करें। ये था इसका मेन एम और इसी के लिए काम किया जाता है आपका यूथ को लैब में। ठीक, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो लगभग वर्क्स इन ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज में, ये डेवलप जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काम करता है, टेरिटरीज़ में काम करता है। एम क्या है, मेन हेल्पिंग टू अचीव द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, एक्सक्लूजन वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, एक्सक्लूजन को हमें कम करना है, लोग जिससे बाहर निकलते हैं वो कम करना है। 1951 से भारत के अंदर, वर्कड इन इंडिया सिंस 1951। ठीक, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तीन मेन फोकस एरियाज़ हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको शामिल करिए ग्रोथ में, सबको शामिल होना चाहिए। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, पर्यावरण और ऊर्जा को बचाना है, उसको सेव करना है। सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। यूएनडीपी कंट्री ऑफिस लोकेटेड है आपका नई दिल्ली में, नेक्स्ट फैक्ट आप लोग ये ध्यान रखेंगे।
ठीक हाँ, हेडक्वार्टर की बात करेंगे अगर आप तो दिस इज इन न्यूयॉर्क सिटी, बिल्कुल सही बात है. लेकिन यस अटल लैब्स भी हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सृष्टि. अटल लैब्स इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन. तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत यही टारगेट था कि अटल लैब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, ऐसी लैब्स बनाई जाएंगी जिससे बच्चे साइंस की तरफ थोड़े ज़्यादा आगे आकर के हिस्सा लें, साइंस के प्रति उनकी जो रुचि है वो बढ़े, वो बेटर से बेटर इनोवेशन कर सकें और इनोवेशन के लिए हम उन्हें प्रेरित भी कर सकें. ठीक है, ये एजेंडा है मेनली. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, फटाफट से आंसर करेंगे. एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के बारे में है और आपको दिए गए हैं दो स्टेटमेंट, आपको बताना है इन करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए आराम से पढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आराम से पढ़ेंगे तो आंसर कर लेंगे. यस बिल्कुल सही है रुद्राक्षी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अटल टिंकरिंग लैब. अटल लैब्स को अटल टिंकरिंग लैब भी कहा है हमने, बिल्कुल सही बात है. इम्पॉर्टेंट है अटल इनोवेशन मिशन, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए. चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करेंगे फटाफट से. ममता कह रही हैं डी. CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2020 बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, द अथॉरिटी डील विथ मैटर्स रिलेटिंग टू गुड्स ओनली. आपको बताना है इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ या फिर डी नन. चलो ममता कह रही हैं डी, काजल कह रही हैं डी, राजू कह रहे हैं बी, बाकी रुद्राक्षी भी कह रही हैं बी, बाकी के लोग जल्दी आंसर करेंगे भाई फटाफट से. तनु चौहान भी कह रही हैं बी, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इट इज़ नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से मार्क करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. रितिका भी कह रही हैं बी, नेहा कुरैशी कह रही हैं बी, निशांक भी कह रहे हैं बी, प्रिया कह रही हैं बी, अदिति भी बी, मेजॉरिटी ऑफ आप सभी लोग कह रहे हैं बी. बी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट इज़ इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज इट डील्स विद द मैटर्स ऑफ गोड्स एज वेल एज सर्विसेज. दोनों ही बातों पर यह काम करता है और यहाँ पे कहा गया है सिर्फ सर्विसेज. अगर आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास में जा सकते हैं, उस पर आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं. जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने अगर गोदरेज का फ्रिज खरीदा, अब उस फ्रिज में कुछ समय बाद कुछ दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, समस्या के लिए हमारे यहाँ हमने क्या किया कि आपका जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया और एक आपका जो इंजीनियर होता है वो हमारे यहाँ विज़िट करता है. अब उस विज़िट से अगर हम खुश नहीं हैं, हमको नहीं लगता कि उसने सही से काम किया है, वी आर अनसेटिस्फाइड, या हमें लगता है कि हमारे साथ उसने कुछ इतने का सामान लगाया नहीं था लेकिन हमसे ज़्यादा पैसा लेकर के चला गया, तो सर्विस के लिए भी हम उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है वहाँ पर लेकर जा सकते हैं. यस इट इज़ फॉर सर्विसेज ऑल्सो, दोनों के लिए है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नॉट ओनली फॉर दी सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं है. तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज सॉट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेयर्स. कंटेक्स्ट यही है कि अभी जो आपकी CCPA है उसने मांगा है क्या कि भाई आप एक्सप्लेनेशन दीजिए. कौन एक्सप्लेनेशन किससे मांगा है? फ्लिपकार्ट से, रिगार्डिंग सेल ऑफ एसेट ऑन इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि आप एसेट कैसे बेच रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसको लेकर के एक्सप्लेनेशन मांगा गया है फ्लिपकार्ट से. द एक्सप्लेनेशन फॉलोज रिपोर्ट दैट इन रीसेंट एसेट अटैक्स ऑन अ गर्ल इन द्वारका दिल्ली द एक्यूज्ड हैड बॉट एसेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. ये पाया गया है कि एक्सप्लेनेशन मांगा है कि द्वारका दिल्ली में जो हाल ही में अभी एसेट अटैक की घटना हुई है उसमें जो एसिड इस्तेमाल किया गया है वो फ्लिपकार्ट से ख़रीदा गया है. तो आप हमें इस पर एक्सप्लेनेशन दीजिए कि कैसे आपकी साइट पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट किस तरीके से वहाँ पर एसिड को बेच रही है, इसके बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, इसलिए ये अथॉरिटी आपकी न्यूज़ में थी.
अगर हम बात करें इस अथॉरिटी की, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, 2020 में बनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ये वर्क करती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो एक चीफ कमिश्नर होता है जो हेड होता है, एंड दो अदर कमिश्नर्स होते हैं मेंबर्स की तरह, वन ऑफ द होम विल डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू गुड्स वाइल अदर विल लुक इन टू द केसेस रिलेटिंग टू सर्विसेज। यानी जो दो अदर मेंबर्स हैं वो एक देखेगा गुड्स को, एक देखेगा सर्विसेज को, ठीक है। इट विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग दैट विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी कि भाई उन्होंने देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो किसी को जाना पड़ेगा, वहाँ से एविडेंसेस लेकर के आने पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। अगर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन होता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में यानी डीएम के पास में भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो है वो होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और एक दो बातें जो हैं वो आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा। हम बात करेंगे हाँ ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल सही बात है ये कि अगर आपको शॉप्स पर मिलना बंद हो गया होगा और अगर किसी को चाहिए, अगर उसने सोचा है कि मुझे किसी पर एसिड अटैक करना है, तो वो डेफिनेटली ऑनलाइन पर अवेलेबल होगा तो वो खरीदेगा वो तो, ठीक है। बीपोर उरु इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट। बीपोर उरु इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट, बहुत अच्छी न्यूज़ है, हाल ही में इस समय न्यूज़ में आया था, बड़ा अच्छा आर्टिकल है आपका, ये बहुत ही अच्छा है। बीपोर उरु इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा हेरिटेज है उसका। सी, बिल्कुल सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये बेसिकली एक बोट है, बीपोर उरु जो है इट्स अ बोट, बेसिकली ये एक बोट है जिसके लिए जीआई टैग के लिए अभी फाइल किया गया है, जिसके लिए चाह रहे हैं केरला वाले कि हमें इसके लिए जीआई टैग जो है वो मिल जाए। That is why it is in news कि कुजुकोर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ऑफ केरला ने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसके लिए? बीपोर उरु, जो कि क्या है, एक वोट है, विच इज़ अ वोट। ये क्या है? बेसिकली वुडन शिप और अ सेलिंग वेसल है, हैंड क्राफ्टेड बाय स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड जो आर्टिसंस होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं इन बीपोर केरला। बीपोर एक रीजन है केरल में, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। दे आर अ सिंबल ऑफ केरलास ट्रेड रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप विद द गल्फ कंट्रीज। ये बताता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ में केरल के जो रिलेशन है वो आज से नहीं, पहले से बहुत समय से हैं, पुराने समय से। ये है वोट। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको बनाने में कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पूरी हाथ से बनाई जाती है ये वोट, वुड से, लकड़ी से हाथ से बनाई जाती है। तो स्किल्ड जो आर्टिशन होते हैं वही इसको बना पाते हैं, और काफ़ी लंबा समय है, 1 से 1.5 साल का समय है आपका जो इसको बनाने में लग जाता है, ठीक। कोई भी मॉडर्न टेक्निक जो है, मशीन वगैरह, उन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, एनी मॉडर्न टेक्निक के इस्तेमाल के बिना बनाई जाती है। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ इससे रिलेटेड हैं, इससे एसोसिएटेड हैं इस उरु मेकिंग से। प्रोमिनेंट कम्युनिटी की बात करेंगे तो उडाईज। अब यहाँ से आप उडाईज को याद रखिएगा, हु आर उडाईज? सो उडाईज आर दी प्रोमिनेंट कम्युनिटी दैट इज एसोसिएटेड विद दी मेकिंग ऑफ दी बीपोर उरु। तो बीपोर उरु को बनाने के लिए जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा इसको बनाती है, प्रैक्टिस करती है इसको बनाना, वो है आपकी उडाईज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी हैं, जैसे दे मैनेज द टेक्निकल मैटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग, देयर फैमिली नेम्स कम्स फ्रॉम ओडम, अ टाइप ऑफ स्मॉल शिप प्रीवियसली यूज्ड इन ट्रेड बिटवीन मालाबार एंड इन सब के बीच में। इसके अलावा जो है दैट इज़ खलासिस, दूसरा है आपका खलासिस,
ये दूसरी कम्युनिटी है एंड अनदर प्रोमिनेंट क्लास है जो उरू मेकिंग से रिलेटेड है. इन्हें हम मप्पिला भी कहते हैं. मोपला या मप्पिला जहाँ पर हमने केरल में हम देखते हैं, मप्पिला खलासीज भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मप्पिला मुस्लिम्स हैं. मप्पिला जो मोपला मूवमेंट आपका चला था वो भी इसी से रिलेटेड हैं. तो ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, ओडाइज और मप्पिला या फिर खलासिस, ये आपके रिलेटेड हैं बीपोर उरू को बनाने से. ठीक, बिल्कुल सही है, एकदम सही काजल. पहला जीआई टैग असम के दार्जिलिंग टी को दिया गया था. बिल्कुल एकदम सही बात है, एब्सोल्युटली राइट. जीआई टैग आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए. एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जीआई टैग के बारे में ही है आपका क्वेश्चन, और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. ये पीआईबी में थी एक न्यूज़ एक्चुअली. बीपोर उरू की न्यूज़ तो आपकी हिंदू में देखने को मिली थी, जीआई टैग वाली ये वाली न्यूज़ आपकी आई थिंक पीआईबी में थी, और इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये न्यूज़ आई थी. चलिए क्वेश्चन दोनों आराम से पढ़िएगा, स्टेटमेंट और आंसर करिएगा सही क्या है. द टॉप 5 स्टेट्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जी आईज आर कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला. अगर हम 5 जो टॉप 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ जी आई टैक्स को होल्ड करने वाले स्टेट्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है. पहला है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला. टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस राइज टू 432 बाय 14 दिसंबर 2022. 2022 14 दिसंबर 2022 तक की अगर हम बात करें तो अब हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जितने जीआई टैग हैं इट इज़ 432. आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है. सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. दोनों बातें बिल्कुल सही हैं. तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर पर है कर्नाटका, जिसके पास मैक्सिमम आपके जीआई टैग्स हैं. सेकेंड नंबर पर है तमिलनाडु, और थर्ड पे आता है उत्तर प्रदेश. जो लोग यूपी देने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ पर आएगा महाराष्ट्र, एंड फिफ्थ पर आता है आपका केरला. अगर 14 दिसंबर 2022 तक की बात करें तो लगभग 432 जीआई टैग्स हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं. ठीक है, बात ध्यान रखेंगे. सी इज दी एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, इस साल इंडिया हैविंग अ डाइवर्स कल्चर इन होम ऑफ वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट मास्टर्ड बाय मेनी जनरेशन ओवर द ईयर एडिंग टू द प्रेजेंट कलेक्शन ऑफ जीआईज. हाल ही में 9 नए आइटम्स को इसमें ऐड किया गया है, जैसे गमोसा असम का, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का, देन उसके बाद रक्से कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख का, अलीबाग वाइट अनियन महाराष्ट्र की. ये कुछ हैं जिनको हाल ही में ऐड किया गया है, और अब टॉप 5 स्टेट्स हमारे ये बन चुके हैं. 432 आपकी टोटल जा चुकी है. किसके अंतर्गत दिया जाता है तो आप एक्ट का नाम भी ध्यान रखेंगे. 1999 का एक्ट है, ये है 1999 का गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के अंतर्गत दिया जाता है. और क्यों देता है, क्योंकि ट्रिप्स WTO के एग्रीमेंट के अंतर जो ट्रिप्स की बात आती है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में हालांकि देखेंगे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जो भी आपके GI टैक्स दिए जाते हैं इट इज़ द, आप कह सकते हैं, पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो इसी के लिए GI टैग दिया जाता है, इसीलिए GI टैक्स को दिया जाता है अंडर द एक्ट 1999 के एक्ट के अंतर्गत. ठीक, एक बार चेक करिएगा निशांक कि नए जो भी आपके इंडिकेशंस मिले हैं उसके बाद ये आपका यूपी थर्ड पे आ रहा है या फोर्थ या फाइव पर आ रहा है. बिकॉज मैंने ये न्यूज़ एज इट इज़ पीआईबी से ही उठाई है, और मुझे लगता है पीआईबी का डेटा गलत नहीं होगा. तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा रीसेंट इन द दिसंबर क्या कंडीशन है, यू जस्ट चेक इट वंस. ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर आपको बताना है. वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग इज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका,
इट इज एंडेंजर्ड इन IUCN. व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग जो है वो केवल और केवल कर्नाटक के वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में मिलता है. देन दूसरी बात है, ये IUCN में एंडेंजर्ड है. आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है. ठीक, मुझे लगता है कि GI टैग जो अभी रिसेंटली 9 दिए गए हैं उसके बाद शायद यूपी जो होगा आपका वो थर्ड पोजीशन पर आ गया है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर. सी बिल्कुल सही है, एकदम सही है. सी इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर. व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग जो है वो केवल वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में मिलता है. इट इज़ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड है ये IUCN की रेड लिस्ट में. IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है. और न्यूज़ में क्यों आया था हाल ही में? न्यूज़ में इसलिए आया था. व्हाई इट वॉज इन न्यूज़? इसलिए ये न्यूज़ में था बिकॉज व्हाइट चेक डांसिंग फ्रॉग, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क एंड येलो हिमालयन फ्रिटिलरी आर अमंग 29 न्यू स्पीशीज असेस्ड इन इंडिया दैट आर अंडर थ्रेट एज पर दी IUCN रेड लिस्ट अनवील ड्यूरिंग दी COP15. COP15 के दौरान IUCN की एक नई रेड लिस्ट जो है वो जारी की गई है. उसके अंतर्गत भारत की 29 स्पीशीज और 29 के साथ में व्हाइट चेक डांसिंग फ्रॉग, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क एंड येलो हिमालयन फ्रिटिलरी ये क्या की गई हैं कि ये अंडर थ्रेट हैं, खतरे में हैं ये स्पीशीज, ऐसा कहा गया है. इस वजह से ये न्यूज़ में आया था. ये है आपका व्हाइट चेक्ड या व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग. हमें सिर्फ इसका स्टेटस याद रखना है, एंडेंजर्ड है. एंडेमिक कहाँ पर है? तो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक में है. थ्रेट क्या है बेसिकली इसके लिए? एरेका नट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी सुपारी और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन किया जाता है, पल्यूशन किया जाता है. और इन्वेजिव स्पीशीज़, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो बाहर से आई हैं लेकिन एनवायरनमेंट को हमारे ख़राब कर दिया है. हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं उनका खाना, उनका हैबिटेट सब ख़त्म कर दिया है, सब नष्ट कर दिया है. ऐसी बाहर से आई हुई स्पीशीज़ को हम बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़. ठीक है, चलिए दूसरा है आपका अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क. शार्क की स्पीशीज़ है यानी मछली है ये है. इसका स्टेटस है आपका वल्नरेबल. ये सिर्फ फाउंड होती है अंडमान सी के अंदर. एंडेमिक है भारत में. थ्रेट डेफिनेटली फिश है तो थ्रेट क्या होगा? फिशिंग प्रेशर. हद से ज़्यादा इसकी जो है वो मछली पालन या मछली इसको पकड़ लिया जाता है, दैट इज़ द थ्रेट फॉर इट. तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी है आपकी येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट. स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है. ये है आपका, दिस इज़ प्लांट यानी पौधे की स्पीशीज़ है ये. और ये लार्ज ग्रुप ऑफ मोस्टली स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट है, लिली फैमिली का है, हिमालयाज में मिलता है लेकिन भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार सब जगह मिलता है. थ्रेट इसके लिए है कि हार्वेस्टेड एंड ट्रेडेड इन डिस्गाइज विद अ न्यू ट्रेड नेम जंगली लहसुन. इसे ट्रेड किया जाता है एक नए नेम के साथ में, तो ट्रेडिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है, यही इसके लिए थ्रेट है. ठीक है, बातों को याद रखेंगे. 3 स्पीशीज़ हमने देखी हैं, ऐसे तो 29 स्पीशीज़ को COP15 में मेंशन किया गया है. IUCN की रेड लिस्ट में ये बताया गया है कि ये इंडिया में थ्रेट बनती चली जा रही है. लेकिन 3 जो और थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है. 2 आपकी एंडेमिक हैं लेकिन तीसरी वाली जो प्लांट वाली है वो इंडिया के साथ साथ चाइना, भूटान, बाकी के एरियाज़ में भी मिलती है. ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है. ग्राम स्वराज अभियान ऑल्सो नोन एज दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का एक दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. और ये जो अभियान है ये 2018 में लॉन्च किया गया था. आपको बताना है सही क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का. सबसे पहले आंसर किया है रुद्राक्षी ने, बहुत जल्दी, वेरी गुड. चलो भाई बाकी के लोग आंसर करें जल्दी से, सही है या गलत ये अभी देखेंगे. सी कह रही हैं रुद्राक्षी.
देखिए बेसिकली हम क्यों प्रीवियस बहुत पुरानी पुरानी स्कीम्स के बारे में भी हम डिस्कशन कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका जो सत्र चल रहा है, संसद का जो सत्र चल रहा है, उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो बता रहे हैं, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है या वो एक्सप्लेनेशन देते हुए बता रहे हैं कि इस अभियान के तहत हमने ये इतना अच्छा अचीव किया, इतना पैसा था वो हमने इतना खर्च किया, ये हमें अच्छा फ़ायदा हुआ उसका, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर पा रहे हैं। प्रीवियस जो स्कीम्स हैं वो हमारे सामने आती जा रही हैं, पहले की हैं लेकिन उनसे रिलेटेड चर्चाएं अभी हो रही हैं, इसलिए हम उन्हें देख पा रहे हैं। सी, बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सी इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 2018 में लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। हम जैसा डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, जो हमारे सपनों का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके बारे में है आपका ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। फंड एक्चुअली अभी हाल ही में इस स्कीम के अंतर्गत फंड्स टू द ट्यून ऑफ रुपीज़ इतना करोड़ हाल ही में रिलीज किया गया है लास्ट 3 ईयर्स में, ऐसा बताया गया, इसलिए ये आपका न्यूज़ में था। इसमें होता क्या है, बेसिकली पंचायत भवन्स का कंस्ट्रक्शन होता है, देन उनमें कंप्यूटर लगाना, पेरिफेरल एरियाज में उनके कंप्यूटर्स वगैरह लगाना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पेरिफेरल एरियाज में जहाँ पे पंचायत भवन है वहाँ पे करना। लॉन्च हुआ था 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हम इसको कहते हैं, जिससे हम डिस्ट्रिक्ट को क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर सकें, बदल सकें। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाता है पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ, इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर, और उस हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही जाती है, बेटर कनेक्टिविटी लाने की बात कही जाती है, बेटर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे और अच्छे से जो भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके, एजुकेशन, जेंडर, सैनिटेशन, इन सब पर काम किया जाता है। ठीक है, यस, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 4 ईयर्स के लिए है, 2018-19 to 21-22, स्टेट और सेंट्रल, जो भी आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि सेंटर भी पैसा देगी, स्टेट भी पैसा देगी। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आती है, बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। अगर जनरली हम देखें तो पंचायत आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है, पंचायत इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन इस स्कीम के थ्रू सेंटर क्या काम करने की कोशिश कर रहा है कि एक स्टेट सब्जेक्ट पर सेंटर की हेल्प भी दे रहा है स्टेट को, कि सिर्फ स्टेट जो है वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने यहाँ की पंचायत को बेटर करने के लिए, स्टेट के साथ साथ सेंटर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस राज्य की पंचायत को बेहतर करने के लिए, पंचायत और उनके पेरिफेरल एरियाज को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो इसके अंदर हम देखते हैं। चलिए, यस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और हमसे कहा गया है, पूछा गया है कि द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने फॉर्मुलेट किया है या बनाया है एक ड्राफ्ट, किसका ड्राफ्ट, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट, यानी हमारे यहाँ की साइबर सिक्योरिटी कैसी होगी उसको लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, और उसके ड्राफ्ट को किसने रेडी किया है, उस स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट किसने बनाया है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने बनाया है। एक ये बात, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2024, और ये जो आपका स्ट्रेटजी बनी है साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए, ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है इसको इम्प्लीमेंट करी जाएगी या इम्प्लीमेंट होगी 2024 से। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सही क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ के आंसर करेंगे तो आप इसका सही उत्तर खोज पाएंगे। रुद्राक्षी कह रही हैं ए, ओके, ममता कह रही हैं सी, सृष्टि कह रही हैं सी, बाकी लोग फटाफट आंसर करिए, क्या कह रहे हैं भाई आप लोग, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने एक ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाया है, और अगर बनाया है तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगी 2024 से। आपको बताना है दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही गलत हैं।
चलिए ए इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करें, साइबर सिक्योरिटी की समस्या अब है, स्ट्रेटजी अब बनाई गई है, इम्प्लीमेंट 2 साल के बाद क्यों किया जाएगा, 2024 में इम्प्लीमेंट क्यों किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश तो जल्दी से जल्दी की जाएगी जबकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम ऑनलाइन हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है. तो स्ट्रेटजी अगर अब बनाई है तो इम्प्लीमेंट 2 साल के बाद क्यों करी जाएगी, अभी ही की जाएगी नियर बाई आपके एक आध साल में या एक आध 2-3-4 महीनों में. अगर इस तरीके का सोचेंगे तो आराम से आप आंसर कर पाएंगे. ए इज द राइट आंसर. द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने फॉर्मुलेट किया है ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी विच लुक्स एट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशनल साइबर स्पेस. सिक्योरिटी ऑफ नेशनल साइबर स्पेस इंडिया का या नेशन का जो भी साइबर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी पर फोकस करेगी आपकी ये स्ट्रेटजी. द टाइमलाइन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड अदर डिटेल्स आर नॉट येट मेंशन. यही बात है कि ये अभी तक मेंशन नहीं किए गई है. देश चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए लेकिन हमारे पास साइबर की उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसका अभी हमने कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया है. बट ये होगा आपका, जल्दी से जल्दी ही इसको कराने की कोशिश की जाएगी. 2024 तक वेट नहीं किया जाएगा. सो ए इज़ दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. टाइम 2024 अभी मेंशन नहीं किया गया है, इट इज़ नॉट मेंशन. अगर बात करें नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की तो हेड थे इसके राजेश पंत, जो आपके लिए बस वही इम्पॉर्टेंट है कि हेड इसके राजेश पंत थे और स्ट्रेटजी में वही बात की जाएगी कि कैसे हम साइबर थ्रेट से जो है वो बाहर निकल सकते हैं, साइबर जो इंसिडेंसेस होते हैं उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है. ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. अभी हाल ही में अगर आपको पता हो भारत ने अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका एक टेस्ट किया है और उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन है. पुराना प्रोग्राम है इंडिया का. अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है. शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज पृथ्वी. मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज आकाश. इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज ब्रह्मोस. शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज त्रिशूल. क्या है जो शामिल नहीं है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फटाफट से आंसर करेंगे इसका. बड़ा ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए. आप सबको पता है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या शामिल नहीं है. ओके, तनु कह रही हैं सी, रुद्राक्षी भी कह रही हैं सी, नेहा भी कह रही हैं सी. एब्सोल्युटली ब्रह्मोस जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. ब्रह्मोस रशिया और इंडिया दोनों को मिला करके, दोनों ने मिला करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके इस मिसाइल को बनाया है. दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल में कौन कौन सी 5 आपकी मिसाइल्स हैं. 5 हैं बेसिकली इसमें. यस, पटना इज द शॉर्ट ट्रिक, आप बिल्कुल याद रख सकते हैं. एक नाग है, दूसरा रह गई थी इसमें आपकी अग्नि. नाग और अग्नि के बारे में हमने यहाँ पर नहीं देखा है. बाकी 3 हैं आपकी पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि. ये हैं 5 आपकी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में आपकी हैं, जो भारत का बहुत ही अच्छा मिसाइल प्रोग्राम माना जाता है. ठीक, उसी से रिलेटेड है आपका. और अभी हाल ही में अग्नि 5 का जो है वो टेस्ट किया गया है और अब लगभग कोशिश करी जा रही है कि 8000 किलोमीटर तक की रेंज को जो है वो आपका कवर कर लेगा. ठीक, अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद APJ कलाम जी जो हैं उसके फाउंडर और इसके मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो है इंडिया में चल पा रहा था या चला है, ऐसे कहेंगे. ठीक, बात क्लियर है. पटना से आप लोग याद रखेंगे 5 मिसाइल्स हैं इसके अंतर्गत, आपको ध्यान रखनी है.
ये भी याद रखिएगा कि कौन सी सरफेस टू सरफेस है, कौन सी आपकी सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। तो त्रिशूल और आकाश आपकी सरफेस टू एयर है, नाग आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक के अगेंस्ट। टैंक अगर लेकर के हमारे सामने कोई राइवलरी कंट्री आ रही है तो उस पर हम नाग को फायर कर सकते हैं, नाग छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, यहीं पे आपका आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। पीडीएफ से एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा क्वेश्चंस को, और जो एक दो चीज़ें अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो उसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे मिशन इम्पॉर्टेंट है, कंज्यूमर अथॉरिटी वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर सेशन आपको पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GI टैग वाला क्वेश्चन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, GI टैग वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही जुड़ जाइए करिए आप लोग, और अगर सारे लोग जुड़ते हैं अच्छे से तब सेशन में मज़े आते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग आने की ज़रूर कोशिश करा करिए कि सेशन आप लोग एटलीस्ट मिस ना करें, अटेंड करें सेशन को। निधि आपने एक का भी आंसर नहीं दिया, अब दिखाई दे रही हो एकदम, हैं आंसर एक का भी नहीं दिया गया आपकी तरफ से, मैंने अब आपका आंसर थैंक यू बस देखा है, आंसर एक भी नहीं देखा। शैली, शैली के फिर भी एक दो आंसर हैं। कंटिन्यूस आप लोग ना आंसर करा करिए, देखिए जब हम आंसर नहीं कर पाते हैं तो हम पढ़ना भी फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार के सेशन में नहीं करोगे, दूसरे बार के सेशन के लिए एटलीस्ट पढ़ के आओगे थोड़ा सा, फिर आंसर करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए एक तरीके से आप उनको आंसर करने के लिए कम से कम पढ़ तो लेते हो, इस बात पर ध्यान दिया करो। ठीक है, बिल्कुल याद आती है, एकदम याद रहती है, याद आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल गौरव, बहुत बाद में जुड़े थे आप भी, पर चलिए थैंक यू।